तो भैया फाइनली आदि पुरुष मूवी का टीजर आ चुका है और क्या कमाल का टीजर है यार, मतलब मजा ही आ गया, मतलब बिल्कुल जैसे एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही निकला। झूठ बोल रहा है। मजाक से हटके भाई, सबसे पहले तो आपको पता है कि आपका टीजर कैसा बना है, उसके बाद भी आप अयोध्या जाते हो और वहाँ 10,000 लोगों के सामने 50 फीट की स्क्रीन में अपनी मूवी के टीजर का ग्रैंड लॉन्च करते हो, ये जानते हुए भी कि आपका टीजर कैसा बना है। मतलब भाई इतना ही तो कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को अपनी लाइफ में। तो ये टीजर चालू होता है और चालू होते ही हमें प्रभास दिखाए जाते हैं एस श्री राम भगवान जी, जो पानी के अंदर तपस्या कर रहे होते हैं, जो देख के मतलब गूजबम्स जैसा लगता है। फिर प्रभास को बाहर दिखाया जाता है और सडनली मैं देखता हूँ कि ऊपर से कुछ जीव उड़ के जा रहे होते हैं, एंड आई वाज लाइक कि ये सब टीवी में जो बालवीर आता है उसके विलन यहाँ क्या कर रहे हैं। मतलब सीरियसली भाई, ये सीन देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया कि इस मूवी का बजट आई थिंक 500 करोड़ है और इतनी बड़ी बजट की मूवी में ये क्या कार्टून जैसा क्या दिखा रहे हैं भाई। मतलब ये देखते ही मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर हो गया था, लेकिन इस समय तक भी ये मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि आगे टीजर में भी और भी बहुत सारे सरप्राइजेस भरे पड़े हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और फिर दिखाया जाता है सैफ अली खान को, जो कि मूवी में रावण प्ले कर रहे हैं। और भाई ये रूप देखकर तो मेरे को ये समझ ही नहीं आया था कि मूवी में सैफ अली खान बने क्या, और मैंने जब तक सैफ को इस रूप में नहीं देखा था तब तक मेरे को तो ये पता ही नहीं चला था कि मूवी में सैफ रावण बने। मतलब ऐसा भी नहीं कि इस सीन में कोई सैफ अली खान एकदम रावण लग रहे हैं तो मैं मान गया कि अच्छा ये रावण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनके 10 सिर को देखकर मैंने अपने मन को ये मनाया है कि भाई ये रावण ही है, प्लस इनकी ये ब्लू ब्लू आईज मुझे अलग हिप्नोटाइज कर रही है। और भाई ये हेयर स्टाइल, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास इनके लिए। मतलब यार मेरे खुद के बाल बहुत बढ़ गए और मैं सोच ही रहा था कि मैं कुछ अलग टाइप का हेयर स्टाइल कराना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किस टाइप का हेयर स्टाइल कराऊं। ये हेयर स्टाइल बेस्ट है भाई, मैं अपने सैलून वाले को ये फोटो दिखाऊंगा और उसको बोलूंगा कि देख भाई मेरे को ऐसा ही मिलिट्री कट हेयर स्टाइल चाहिए बिल्कुल रावण जैसा। साले तू। इस सीन में जो रावण है, नहीं रावण नहीं सॉरी सैफ, मैं सैफ ही बोलूंगा भाई, रावण नहीं बोलूंगा। इस सीन में सैफ जो है वो उस ड्रैगन पे या बड़ी सी चिड़िया जैसी चीज पे बैठकर आ रहे होते हैं। और भाई सबसे पहली बात मेरे को ये बताओ कि ये बड़ी सी जो चिड़िया जैसी जो भी ये चीज है, ये स्लो मोशन में क्यों उड़ रही है भाई, इतनी स्लो कैसे उड़ रही है, प्लस इसका पंख भी देखोगे तो आप ये कितना स्लोली ऊपर नीचे कर रही है भाई। मैंने चिड़िया को उड़ते हुए देखा है भाई, वो अपने पंख को इतना फास्ट ऊपर नीचे करते है ताकि वो ढंग से उड़ सके, और इसको देख कर तो ऐसा लग रहा है कि इसका पंख ऊपर नीचे करना तो खाली एक बहाना ही है, उड़ने का सोर्स इसका कुछ और ही है। नहीं मतलब ठीक है यार, ये इतना फास्ट ऊपर नीचे भी नहीं करेगी पंख जैसे चिड़िया लोग करते हैं, क्योंकि ओवरऑल मूवी है ना ये, लेकिन फिर भी भाई बहुत नकली लग रहा है यार ये सीन। मतलब क्या यार, कार्टून जैसे ड्रैगन में रावण को बैठा दिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लस इतना स्लोली उड़ने के बाद भी ये ड्रैगन अलग ही गिम्बल स्टेबलाइजेशन में उड़ रहा है भाई, हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल देख रहे हैं तो आप सैफ को देखो, मतलब यार इतने बड़े ड्रैगन में बैठ के उड़ रहे हैं वो और हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं ये लोग। इनफैक्ट भाई सैफ तो वहाँ बैठा हुआ भी नहीं है, उनको तो वहाँ पे एडिट करके डाले हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं ये भी बता रहा हूँ, आप एक बार इस कार्टून ड्रैगन से अपना पूरा ध्यान हटा लो और भूल जाओ कि वहाँ पे कोई ड्रैगन भी है और सिर्फ सैफ पे कॉन्सेंट्रेट करो। और अब जब सैफ को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि सैफ की इमेज को खाली उस ड्रैगन के पीछे लगा दिए और सैफ की इमेज को खाली जूम कर रहे हैं, मतलब सैफ को ड्रैगन के साथ आगे बढ़ाने के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं, सैफ की इमेज को खाली जूम इन कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं खाली। ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा आपको। अच्छा, हमको सिखा दिया है। एंड प्लीज डोंट टेल मी कि ये मूवी का लास्ट बैटल सीन होने वाला है। मेरी हंसी छूट जाएगी भाई। नहीं मतलब सिर्फ कंपैरिजन के हिसाब से देखो तो ये वानर सेना तो फिर भी सही लग रही है, मतलब इनके शक्ल में एक रिएक्शन दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, मेरे को हंसी आ रही है भाई इन लोग को देख के। मतलब 500 करोड़ तो छोड़ो, 50 रुपए का भी रिएक्शन नहीं है इनके शक्ल में। 500 करोड़ मतलब बिल्कुल जीरो फेस एक्सप्रेशन पे इनकी शक्ल दर्द तो दिख ही रही है, प्लस जैसे ये लोग दौड़ रहे हैं जैसे इनका जोश है ना, मेरे को नहीं लग रहा है इनके सामने ये लोग टिकने भी वाले हैं। एक मिनट, क्या यहाँ पे प्रभास ने सैंडल पहना हुआ है? अबे इस मूवी को पक्का टेंपल रन ने स्पॉन्सर किया है भाई, गारंटी लिख के ले लो भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मुझे बस ये जानना है कि इस सीन को मूवी में डालने के लिए टेंपल रन ने मूवी को कितने पैसे दिए। मैं तड़प रहा हूँ भाई जानने के लिए। ओ भाई ये फ्लोर कितना सही लग रहा है यार, क्या डिजाइन है इसका, प्लस ऊपर इतने सारे चमगादड़ उड़ रहे हैं और जैसा बैकग्राउंड है, ये सब देखने के बाद अब 2 मिनट तो मुझे यही प्रोसेस करने में लग जाएगा कि बीच से रावण चल के आ रहा है। मतलब भाई सैफ रावण तो वैसे ही नहीं लग रहे थे, प्लस अब ये चमगादड़ वगैरह देखने के बाद, ये बैकग्राउंड देखने के बाद और सैफ को ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ देखने के बाद अब तो बिल्कुल ही नहीं लग रहे भाई।
मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। दो दिन पहले मैं अपने फ्रेंड से ऐसे ही कॉल पे बात कर रहा था और बात करते करते ऐसे ही आदिपुरुष के टीजर का टॉपिक निकल गया कि कैसा लगा क्या लगा। और मैं उसको बात करते करते ऐसे ही पूछा कि इसमें देखो हनुमान जी वाला रोल कैसा लगा, तो वो पता है मेरे को क्या बोला? वो मेरे को पूछा कि टीजर में हनुमान जी भी दे गया, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। और ये बिल्कुल सच बात है, मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। मेरे फोन की कॉल रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, वरना अगर हुई होती तो मैं रिकॉर्डिंग ही डाल देता। मतलब यार इस पूरे टीजर में जो मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है ना, वो ये हनुमान जी का रोल। मतलब यार मैं क्या बोलूं, कहां से शुरू करूं, समझ ही नहीं आ रहा। बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन अगर मैं बोलना चालू किया तो शायद 5-6 मिनट तक बोलते ही चले जाऊंगा। इसीलिए मैं बोलना चालू ही नहीं करता, वरना इसको एडिट करने में मेरी हालत खराब होगी। तो एक काम करता हूँ, एक छोटा सा बोनस जोड़ के इस टॉपिक को फिलहाल यहीं पे रोक देता हूँ मैं, क्योंकि कर तो वैसे भी कुछ नहीं सकते अब। और फाइनली भाई मूवी के मेन लीड सुपरस्टार प्रभास के बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए। मतलब भाई सुनने में आया है कि 500 करोड़ में से 130 कुछ करोड़ तो प्रभास ने ही लिए मूवी में काम करने के लिए। इसमें प्रभास वैसे 120 करोड़ ही लेने वाले थे, लेकिन भूषण कुमार जी ने 10 करोड़ रुपए ज्यादा दिए उनको फोर्स करके, और कहा है कि भाई ये 10 करोड़ रुपए आप ज्यादा रखो, लेकिन प्लीज इस मूवी के हिंदी वर्जन में आप डबिंग नहीं करोगे, हम दूसरे एक्टर से डबिंग कराएंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सुनने में आया है। जोक्स अपार्ट, लेकिन 500 करोड़ में से 120 कुछ करोड़ रुपए आप ही ले रहे हो मूवी में काम करने के लिए, और इतना ज्यादा फीस लेने के बाद भी आप एप्स तक खुद नहीं बना रहे हो यार, उसको भी VFX में डालना पड़ रहा है। मतलब आप इतनी बड़ी रकम फीस के तौर पे ले रहे हो, तो इतनी थोड़ी मेहनत तो आपको खुद को ही करनी चाहिए थी यार। प्लस अगर आप पूरा टीजर देखोगे तो पूरे टीजर में प्रभास के जितने भी सीन्स है, अगर आप उनके फेस पे गौर किए होगे तो उनके फेस में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है भाई, एक सिंगल एक्सप्रेशन है पूरे टीजर में। मतलब मैं प्रभास के फेस पे सिर्फ एक स्माइल के लिए तड़प गया यार। अगर आपने रामायण देखा तो आपने उसमें देखा ही होगा कि राम भगवान के फेस पे एनी टाइम मैक्सिमम टाइम एक स्माइल हुआ करता था, एक पॉजिटिविटी दिखती थी। और इस पूरे टीजर में प्रभास के फेस पे एक स्माइल तो छोड़ो बल्कि दूसरा कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। और 120 कुछ करोड़ रुपए आपने फीस ली है मूवी के लिए, कमाल। खैर मैं भावनाओं में बह गया था और भूल गया था कि ये सिर्फ एक टीजर ही है, हम टीजर से पूरी मूवी को जज नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये वीडियो भी तो टीजर पे ही बना रहा हूं ना, कौन सा मूवी पे बना रहा हूं, तो चलता है भाई। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो भैया अगर अभी तक भी ब्रह्मास्त्र मिस्टेक वीडियो नहीं देखे हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो भी देख सकते हो भाई। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर लो, और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।